क्या आप भी किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो कि आपको जोड़ों के दर्द से आराम पहुंचा दे, चाहे हमारे पैरों की एड़ियों का दर्द हो, चाहे हमारे घुटनों का दर्द हो, किस तरह से हम अपने जोड़ों के दर्द जॉइंट पेन से राहत पाएं। आज आपके लिए इस वीडियो में कम से कम 4 अलग अलग रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों। ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इसकी सहायता से आप आसानी से जॉइंट पेन से, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न या फिर कहीं सूजन आ गई है उसे राहत पा सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक तेल। इस तेल को बनाने के लिए आपको यहाँ लेना है सरसों का तेल, या फिर आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप तिल्ली का तेल ले लीजिए। उसमें 1 चम्मच मेथी के बीज, 1/2 चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल कहते हैं, अच्छी तरह से डालें और मिक्स करें। आप कलौंजी और मेथी का तेल बना सकते हैं। यदि आपको इस समय धतूरा मिल जाता है तो आप धतूरे के बीजों का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है धतूरा, जिसका धार्मिक और औषधीय महत्व दोनों है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, परंतु इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। थोड़ा सा जहरीला प्रवृत्ति का होता है ये, तो इसका यूज़ करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करें या हैंड ग्लव्स भी पहन सकते हैं आप। तो मेथी, कलौंजी और जो तिल्ली का तेल लिया है, इसमें मैंने धतूरे के कुछ बीज जितने मुझसे निकल रहे थे मैंने निकाल दिए हैं। आप ऐसे खड़ा धतूरा भी डाल सकते हैं, क्योंकि धतूरा जब सूख जाता है ना दोस्तों, तो अभी यह फटता है और इसके बीज बाहर आते हैं। अभी कच्ची अवस्था में है ये, परंतु है तो पावरफुल, तेज़ी से सूजन को ख़त्म करता है, दर्द को खींचता है। एक दर्द निवारक गुण होता है धतूरे में। तो प्रयोग सावधानी पूर्वक ही करें। गैस की फ्लेम चालू कर दी है और इस तेल को पकने रख दिया है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक के पकाएं। इस तेल को चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। रोज़ आप इस तेल से मालिश करें, एक बार सुबह के समय करें, सुबह की धूप में बैठ के करें, और दूसरी बार आप रात को सोते समय इस तेल से मालिश करें। मालिश करने के बाद चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कमर में, चाहे पैरों की एड़ी में, आप कोई भी पुराना कपड़ा लपेट लीजिए ताकि गर्माहट बनी रहे और आपको तुरंत ही राहत मिलने लगे। तो यहाँ पर अब इस तेल को मैं छान रही हूँ, और इस तेल को आप बनाकर रख सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। वैसे तो आप 1 सप्ताह भी इस तेल से मालिश करेंगे ना, आपको बहुत आराम मिलेगा, और ऐसा लगता है 3-4 महीने बाद वापस आपको जॉइंट पेन होता है, कमर में दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है, वापस इस तेल से मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। मेथी के जो बीज होते हैं ना दोस्तों, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मेथी का सेवन भी करें, 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगा कर खाएं। रात को सोते समय दूध, 1 गिलास दूध पिएं, गर्म दूध पिएं, उसमें गुड़ डालकर उस दूध को मीठा कर पीना है आपको। ये देखिए, गुड़ का एक छोटा, गुड़ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और जॉइंट पेन से राहत दिलाता है गुड़ का सेवन। यहाँ पर 1 गिलास दूध में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाला है, गुड़ डाला है और दूध को अच्छा उबाल लिया है, रात को पिएं। वैसे भी जिन्हें जोड़ों में दर्द है, गठिया आर्थराइटिस है, उन्हें ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ठंडा पानी, ठंडा आइसक्रीम या कोई भी ऐसी चीज़ खाना बंद करें। इसके अलावा आप ले सकते हैं, मतलब गर्म चीज़ें ही लें, खटाई, इमली, नींबू, दही बिल्कुल इस्तेमाल बंद करें दोस्तों। अंडी का पत्ता है ये, कैस्टर प्लांट कहते हैं, एक अंडी के पत्ते को गर्म करके लगा लें, कैस्टर लीफ है ये। अगर आपको अरंडी का पत्ता नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप आंकड़े का पत्ता ले सकते हैं। आंकड़ा, आंख, इसे मदार कहा जाता है, इंग्लिश में कैलोट्रोपिस कहा जाता है। एक पुराना बर्तन ले लीजिए, क्योंकि ये पत्ता भी थोड़ा जहरीला होता है आंकड़े का। तो इस पत्ते को आप हल्दी और सरसों तेल लगा कर दोनों तरफ से सेक लीजिए, गर्म कर लीजिए, और हल्का सा वार्म रहे जब ये पत्ता, तब आप इसे बांधें। हल्का सा गर्म होना चाहिए तब बांधें, ठंडे पत्ते को नहीं बांधना है, नहीं तो उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। गर्म करने से इस पत्ते के कुछ रसायन होते हैं जो बाहर निकलते हैं, और इनका ज़्यादा तेज़ी से असर होता है और हमें जोड़ों के दर्द से आराम पहुंचने लगता है। तो इन पत्तों में सरसों का तेल, हल्दी मिलाकर मैंने गर्म किया, एक धागे से बांध लीजिए। इसके बाद आप अपने हाथों को किसी पुराने कपड़े से अच्छी तरह से लपेट लें, देखिए कैसे नहीं आपका जोड़ों का दर्द जाता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ हमें हड्डियों में तकलीफ बनी ही रहती है। खड़े हो जाते हैं तो बैठा नहीं जाता, बैठ जाते हैं तो एकदम से उठा नहीं जाता, घुटनों से टक टक की आवाज़ आती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है। दोस्तों आप इस घरेलू उपचार को ज़रूर करें। यह है अंडी का पत्ता, इसे मैं सामने ही सड़क से तोड़कर लेकर आई हूँ, आपके घर के पास भी लगा होगा।
वैसे वैसे ये पत्ता तो जगह जगह लगा रहता है, अंडी का पत्ता नहीं मिलता है तो पान का पत्ता ले सकते हैं। पान का पत्ता आपको किसी भी पान की दुकान में मिल जाएगा। एक पान का पत्ता लीजिए, सरसों तेल मिलाइए, गरम करिए और हल्का गरम गरम इस पत्ते को अपने हाथों पर बांध लीजिए। जितना गरम आप लोग सहन कर सकते हैं भाई, इतना गरम नहीं, जितना सहन कर सकते हैं बांध लीजिए। कोई पुराना कपड़ा लपेटे, पान के पत्ते में भी दर्द निवारक गुण होते हैं, एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिकाई करना है। आप कभी कभी इस तरह से अंडी के बीज होते ना, कैस्टर प्लांट के बीज, इन बीजों को इस पोटली में, सूती कपड़े की पोटली बना ले, इस पोटली को बार बार आप गरम तवे के ऊपर, गरम कढ़ाई के ऊपर रखते जाएं और हल्की गरम गरम सिकाई करें। सिकाई करने से हड्डियों की सूजन, पैरों की लचक या मोच लगी है वो सूजन भी उतर जाएगी, मोच भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा सुबह उठकर मेथी का पानी पीना स्टार्ट करें। एक चम्मच मेथी को रात भर पानी में भिगा कर रखें, सुबह उठकर उस गरम गरम पानी को पी लें। मेथी की तासीर गर्म होती है और वात पित्त कफ रोग को दूर करती है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएगा मेथी का पानी। यहाँ पर खाने वाला चूना लेना है आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और अदरक का रस। अदरक के रस में जिंजर जूस निकाल लीजिए। यहाँ अदरक को मैंने कद्दूकस किया है ग्रेटर की मदद से। थोड़ा सा हाथों से दबा लें, छन्नी से छान लें, जैसा आपको अच्छा लगता है। एक चम्मच अदरक का रस चाहिए बस। उसमें आधा चम्मच हल्दी चूना मिलाकर पेस्ट बनाएं और हल्दी चूना अदरक के इस पेस्ट को हल्का सा गरम कर लीजिए। गरम गरम इस जादुई लेप को भी आप अपने हड्डियों की सूजन पर, दर्द पर, चोट पर और मोच पर लगाएं, बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। ये खाने वाला चूना है, इसे मैं पान की दुकान से लेकर आई हूँ। हल्दी जो होती है दर्द निवारक होती है, आप सबको पता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। हल्दी के तो बहुत से औषधीय गुण हैं, हमारे चोट मोच खरोच सारी चीज़ों को दूर करती है, घाव को तेज़ी से भरने का काम करती है हल्दी। चलते चलते कहीं पैर मुड़ गया है, लचक आ गई है, मोच लग गई है पैरों की एड़ी में, या ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग का खड़े रहने का काम होता है, तब भी आप इस जादुई मलहम को लगाएं। बहुत से लोगों के काम ऐसे होते हैं जिसमें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, इससे हमारी एड़ियों में कई बार सूजन आ जाती है और ज़मीन में पैर रखते नहीं बनता, एड़ी में इतनी तकलीफ होती है। तो आप इस मलहम को लगाएं एड़ी पर, थोड़ा सा गर्म करके लगाएं। आप इस मलहम को अपने घुटनों के दर्द पर लगा सकते हैं, हाथों की कलाई में दर्द है वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं। चाहे तो कोई पुराना कपड़ा लपेट लें ताकि बाकी कपड़े ख़राब होने ना पाएं। आपको 2-3 दिन इसे लगाएंगे ना, आपको बहुत आराम मिलेगा। और इस पत्ते के बाद आप चाहे ना, इस मलहम को लगाने के बाद आंकड़े का पत्ता बांध सकते हैं। आप यहाँ पर अंडी का पत्ता, कैस्टर लीफ जो बताई मैंने, अरंडी का पत्ता वो भी बांध सकते हैं, या आंकड़े का पत्ता। थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने गैस पर, मलहम लगा लिया था, बांध लीजिए, किसी धागे से लपेट लीजिए ताकि पत्ता अपनी जगह पर स्थिर हो जाए। आपको हड्डियों के दर्द से तुरंत ही राहत मिलेगी। तो मेरे परिवार को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर।